नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के गांव की गलियों में लगेंगे 3 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट। बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। कृषि विभाग की खाली जमीन को प्राइवेट सेक्टर को जाएगा सौंपा। पितरों की शांति के लिए गया में इस दिन से होगा पिंडदान। पटना हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों की लेट लतीफी पर जताई नाराजगी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स ने 29 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर ने जूनियर रेजिडेंट के कुल मिलाकर 29 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक को MBBS पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsraipur.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के गांव की गलियों में लगेंगे 3 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट। बिहार सरकार की ओर से अब बिहार के गांव की गलियों को भी रोशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए सरकार द्वारा राज्य के सभी 8,058 ग्राम पंचायतों की गलियों में कुल 3,22,320 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाए जाएंगे। बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए सख्त निर्देश दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के लिए एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें वहां मौजूद सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि 2023 तक राज्य के हर ग्राम पंचायत के 4-4 वार्डों में 40-40 स्ट्रीट लाइट स्थापित कर दिए जाने चाहिए। बताते चलिए कि इस योजना से जुड़े सारे एग्रीमेंट और बैंक गारंटीज महीने एजेंसियों के साथ पूरे कर लिए जाएंगे। राज्य में कुल 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने हैं। श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में करीब 42,000 छात्र दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में राज्य भर के कुल 41,745 छात्र गणित विषय में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। बता दें कि इस प्रतियोगिता के लिए हर जिले से हजारों की संख्या में ऑनलाइन आवेदन किया गया है। वहीं वह जिला जहां से सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है वह समस्तीपुर जिला है, जहां कुल 31,784 बच्चों के द्वारा आवेदन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में सिर्फ वही बच्चे भाग ले सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं जो 6ठी से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ते हों। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा 10 से 11 दिसंबर के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उमगा मंदिर इस वजह से है बेहद खास। राजधानी पटना से 131 किलोमीटर दूर औरंगाबाद स्थित उमगा मंदिर की यह वो मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार रातों रात पूर्व की दिशा से पश्चिम हो गई थी। ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े चट्टानों के बीच चौकोर आकार की ग्रेनाइट ब्लॉक से निर्मित यह मंदिर की भव्यता देखते बनती है। मंदिर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चट्टानों के बीच उगी हरी हरी छोटी छोटी झाड़ियां, पास में स्थित तालाब जिसे ऊंचे पहाड़ों से देखा जाए तो आंखों को सुकून मिलती है। अगर आप भी एडवेंचरस हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, प्रकृति से मिलना और बड़े बड़े चट्टानों से गुजरना पसंद है, साथ ही अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े तथ्य, रहस्य भरी कथाओं को पास से जानने, सुनने और समझने के शौकीन हैं, तो यहाँ आपको इन सभी चीजों का सम्मेलन देखने को मिलेगा। बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। बिहार में अब लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ट्रैफिक के नियमों का सही पालन हो सके इसके लिए नियमों को तोड़ने वाले लोगों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक कुल 898 वाहन चालकों को लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी को भेज दिया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार वैसे क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होते हैं, वैसे क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर SOP तैयार किया गया है और साथ ही ब्लैक स्पॉट के रूप में उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां 500 मीटर के दायरे में 500 से अधिक बड़े हादसे हुए हैं। बता दें कि अब तक राज्य में 288 ऐसे स्थान पाए गए हैं जहां दुर्घटना ज्यादा संख्या में होती है। इसके साथ ही 452 वैसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां जाम की समस्या अधिक होती है। बिहार पुलिस में बंपर बहाली। बिहार पुलिस में जल्द ही बंपर बहाली आने वाली है। बता दें कि 1 से 2 माह में बिहार पुलिस के 62,000 पदों पर बहाली की शुरुआत हो जाएगी। इससे जुड़ा प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। बता दें कि फिलहाल 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं बचे 55,000 से अधिक पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया चरणावर की जाएगी। अफसरों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रीय चरण परिषद को किसी भी हाल में दिसंबर के अंत में या जनवरी के पहले
अगले सप्ताह में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार पुलिस में 74,000 नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिनमें से 56,000 के आसपास ऐसे पद होंगे जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया सीधे भरी जाएगी। फिलहाल इन पदों के सृजन का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। बिहार में कनकनी वाली ठंड शुरू। बिहार में ठंड अब अपना पांव पसारना शुरू कर चुका है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर घटने के कारण बिहार के कई जिलों में कनकनी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 72 घंटे के अंदर अब ठंड और भी अधिक तेज हो सकती है। रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। उत्तरी पश्चिमी हवा बरकरार रहने से बर्फीली हवा के कारण कनकनी वाली ठंड शुरू हो चुकी है। अगले 3-4 दिनों में ठंड में भारी वृद्धि की संभावना है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने की संभावना है। बीएयू के मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान में 0.5 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी की मात्रा सर्वोच्च स्थान पर 88% रहा एवं पश्चिमी हवा 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से औसत रहा। बिहार के मिथिलांचल के मखाना को अब चाहिए बड़ा बाजार। कुछ दिनों पहले ही बिहार के मिथिला मखाना को सरकार की ओर से जीआई टैग दिया गया था, जिसके बाद इसकी मांग में और भी बढ़ोतरी हो गई है और अब इनकी मांग केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारी मात्रा में होने लगी है। बता दें कि मखाना को लेकर नए नए शोध कर नई प्रजाति विकसित कर रहे हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच इन किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात यह आती है कि जहां के मखाने को सही ढंग का बाजार नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से किसानों को वह लाभ नहीं मिल पा रहा जो उन्हें सही में मिलना चाहिए। इसी को लेकर एक व्यापारी मनीष आनंद का कहना है कि मखाना को सरकारी कार्यक्रमों और होटलों में परोसना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे बिहार में इसका बड़ा बाजार तैयार किया जा सके। इसके साथ ही मखाना को छोटे और बड़े कार्यक्रमों के आयोजन में भी इस्तेमाल करना चाहिए और इसके पहचान को बढ़ावा देना चाहिए। रोहतास के 24 स्थलों पर टूरिस्ट स्पॉट के लिए किया जाएगा विकसित। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। एक ओर जहां राजगीर नालंदा जैसे शहरों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, इसी कड़ी में बिहार सरकार रोहतास को भी विकसित करने की योजना बना रही है। इसको देखते हुए रोहतास प्रशासन द्वारा कुल 24 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए रोहतास जिले के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कुल 24 स्थानों का चयन किया गया है, जिसे पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना है। उनमें से कुछ नए स्थल भी शामिल है। बताते चले कि चयनित स्थलों में 9 पर्यटन स्थल सासाराम प्रखंड में है, वहीं चिनारी प्रखंड में 4 पर्यटन स्थल है, रोहतास प्रखंड 3, तिलौथ प्रखंड में 2, दिनारा प्रखंड में भी 2 पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि 4 प्रखंडों में 1-1 स्थानों को पर्यटक स्थलों में शामिल किया गया है। कृषि विभाग की खाली जमीन को प्राइवेट सेक्टर को जाएगा सौंपा। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना के सभागार में विश्व मृदा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य में जितने भी जमीन खाली हैं जो कृषि विभाग के अंदर आते हैं, उन सभी जमीनों को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए और वहां बीज का उत्पादन करवाया जाए। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। बता दें कि कृषि मंत्री के अनुसार जिन किसानों को बीज के लिए जमीन दी जाएगी उनका 50% सरकार लेगी, वहीं जो बीज बच जाएंगे उन्हें स्वतंत्र रूप से बाजार में प्राइवेट सेक्टर के किसान बेच सकते हैं। योजना किसानों तक पहुंचाया जाए इसके लिए वॉलंटियर बनाए जाएंगे जो किसानों तक पहुंचकर इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी तरह का आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों की लेट लतीफी पर जताई नाराजगी। विश्वविद्यालयों द्वारा लेट लतीफी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा समय पर नहीं लेने और छात्रों को डिग्री निर्गत करने में हो रहे विलंब पर विवेक राज की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि छात्रों का भविष्य इस तरह से खराब नहीं होना चाहिए। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि 3-4 सालों से कई पाठ्यक्रमों की परीक्षा नहीं लेना गंभीर मामला है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शाश्वत ने कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं लेने और रिजल्ट देने के बाद भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को डिग्रियां देने में विलंब करते हैं। इससे जहां छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं छात्रों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह बात की जाएगी। एक बार फिर सोनू सूद बने गरीब के लिए मसीहा।
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर गरीब के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। दरअसल एक महिला जो गैस्ट्रो की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और पेट दर्द से परेशान थी, लेकिन इलाज के लिए उस महिला के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने सोनू सूद से मदद के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद सोनू सूद ने तुरंत मेडिवर्सल अस्पताल प्रबंधन से बात की और बिना समय गवाए उस महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं अब यह महिला अस्पताल से अपना इलाज करवा कर घर लौट चुकी है, जिसके बाद उस पीड़ित महिला ने सोनू सूद को धन्यवाद करते हुए ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। वहीं इस पोस्ट को सोनू सूद के द्वारा भी रीट्वीट किया गया है। बता दें कि सोनू सूद ने रीट्वीट करते हुए कहा है कि यह हुई न बात। चरित्र प्रमाण पत्र के 50% मामले लंबित। सेवा का अधिकार नियम के तहत राज्य में 7 दिनों में चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, लेकिन आवेदन करने के महीनों बाद भी राज्य के करीब 50% लोगों के प्रमाण पत्र पेंडिंग में है। बता दें चले कि राज्य में 2016 से सेवा का अधिकार नियम की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2018 में इस नियम के तहत चरित्र प्रमाण पत्र को लाया गया था, जिसके बाद कहा गया था कि आवेदक को 7 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र मुहैया करा देना है। हाल ही में इसको लेकर विभाग ने सख्ती भी दिखाई थी, जहां अधिकारियों पर इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई थी। बावजूद इसके चरित्र प्रमाण पत्र मुहैया कराने में कोताही कर रहे हैं। बताते चले कि 2022 में 10,98,000 से अधिक आवेदन आए, जिसमें 5.5 लाख लोगों को ही तय समय में सेवा का लाभ मिल पाया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बलिराम भगत की। बलिराम भगत भारत के एक राजनेता तथा 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष तथा भारत के विदेश मंत्री थे। वे राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भगत का 14 मास से भी कम अवधि का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था, किंतु इस संक्षिप्त अवधि में उन्होंने सदन की कार्यवाही पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अध्यक्ष पद पर रहने के बाद राज्यपाल के रूप में उन्होंने जिस प्रकार कार्य किया, उससे यह सिद्ध हो गया कि वे सहज रूप से एक योग्य और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। भगत एक विख्यात पत्रकार और लेखक भी रह चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर आवर स्ट्रंगल तथा नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन नामक 2 साप्ताहिकों का संपादन किया था। 1947 में उन्होंने पटना से हिंदी की एक प्रगतिशील साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्रदूत आरंभ की थी। पितरों की शांति के लिए गया में इस दिन से होगा पिंडदान। गया में पितरों की शांति के लिए मिनी पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 दिसंबर से होगी और 14 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस आयोजन में करीब 3 लाख से अधिक पिंड दानियों के आने की उम्मीद है, जिसमें कुल 60 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मिनी पितृपक्ष मेले का आयोजन पौष मास में किया जाता है। वहीं 14 दिसंबर से 1 माह तक कक्कड़ मास रहता है। इसके साथ ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता है। इस दिन पिंडदानी गंगा स्नान से पहले गया जी आकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। बताते चले कि इस पौष मेले को संक्रांति मेला भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही संपन्न हो जाएगा निकाय चुनाव। बिहार में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के पहले राज्य सरकार निकाय चुनाव संपन्न करा देगी। बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 जनवरी को होनी है, जबकि बिहार में निकाय चुनाव की तारीख पहले चरण की 18 और दूसरे चरण की 28 दिसंबर को होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले निकाय चुनाव का फैसला आ जाएगा। बता दें कि बिहार नगर निकाय चुनाव के खिलाफ मीनाक्षी अरोड़ा और राहुल श्याम भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई अगले 20 जनवरी 2023 को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी मामले में सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर गठित हुए अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था और सुनवाई के लिए याचिका को योग्य माना था। शिक्षा मंत्रालय इस दिन जारी करेगा जेईई मेन, नीट और सीयूईटी 2023 का वार्षिक कैलेंडर। 12वीं के बाद होने वाले विभिन्न प्रवेश परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय वार्षिक कैलेंडर जारी करने वाला है। बता दें कि जारी किया गया यह कैलेंडर 2023 के लिए जारी किया जाएगा। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार वार्षिक कैलेंडर को लेकर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसी सप्ताह कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। बताते चलिए कि इस वार्षिक कैलेंडर में जेईई मेन, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रवेश परीक्षा सीयूईटी प्रमुख है, जिसमें इन परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों के द्वारा जो बातें सामने आई है, उसके अनुसार जेईई मेन 1 की परीक्षा जनवरी मध्य में आयोजित की जा सकती है, तो वहीं जेईई मेन 2 की परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जा सकती है। इसके साथ ही सीयूईटी यूजी की परीक्षा अप्रैल के 3rd सप्ताह से मई के 1st सप्ताह तक कराया जा सकता है और नीट की परीक्षा का आयोजन मई 1 रविवार को आयोजित की जा सकती है।
दो राज्यों में हुए चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले नीतीश कुमार। बिहार में हुए कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा को बढ़त मिल रही है। वहीं बीते दिन दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब जनता ने जो फैसला किया होगा वह सभी के सामने आ जाएगा और सभी को वही परिणाम स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होने के बाद मेरी लालू यादव से बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक है। मैंने उनकी हालत की खबर तेजस्वी यादव से भी फोन पर ली है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। रोहिणी की फैन हुई मांझी की बहू दीपा मांझी। जब से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया है, तब से सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी सूची में अब जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी का भी नाम जुड़ गया है। जानकारी के लिए बता दें कि दीपा मांझी हमेशा रोहिणी आचार्य के लिए विवादित बातें करती नजर आती है, लेकिन इस बार उन्होंने रोहिणी आचार्य के लिए बड़ी बातें कहते हुए एक पोस्ट शेयर कर दी है। बता दें कि दीपा मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहन रोहिणी आचार्य, आज मैं प्रण लेती हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। आज तुमने भारतीय बेटियों का सर गर्व से ऊंचा किया है, वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बस इतना ही कहूंगी, जल्द स्वस्थ हो जाओ वीर सुरमा, अस्पताल के बेड पर अच्छे नहीं लगते। G20 के सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई जदयू, बीजेपी ने कसा तंज। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 की सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू शामिल नहीं हो सका। जदयू के शामिल न होने को लेकर बीजेपी के द्वारा जदयू पर तंज कसते हुए कहा गया है कि यह पहली बार है जब भारत को G20 समिट का आयोजन करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहां देश की सभी पार्टियां मौजूद है, लेकिन इन सब में आश्चर्यचकित करने वाली बात यह देखने को मिली कि पूरे देश में जदयू ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस बैठक में आना उचित नहीं समझा। इससे उन्होंने बता दिया है कि कुर्सी बचाने के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रहित के कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, देश के सम्मान में इनकी कोई रुचि नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई लगाव। ऋषिकेश कानेटकर बने महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच। ऋषिकेश कानेटकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच बने हैं, जबकि रमेश पवार को नेशनल क्रिकेट अकादमी भेजा गया है। BCCI ने इसकी घोषणा कर दी गई है, जिसमें इस नई जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 मैच की T20 सीरीज में टीम से जुड़ेंगे। बताते चले कि अपनी नियुक्ति को लेकर ऋषिकेश कानेटकर ने कहा है कि महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि इस टीम में वह क्षमता है कि आगे बढ़ सके। टीम में युवा और अनुभव को बेजोड़ मिश्रण है। मेरा भरोसा है कि यह टीम आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे सामने कुछ शानदार इवेंट हैं जो टीम और मेरे लिए बतौर बैटिंग कोच उत्साहजनक होगा। पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी को फोन कर लालू यादव के स्वास्थ्य की ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि प्रधानमंत्री ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कॉल कर लालू यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और साथ ही जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। इसके अलावा खुद तेजस्वी यादव के द्वारा भी पोस्ट शेयर कर लालू यादव के स्वास्थ्य की सूचना दी गई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से ICU में शिफ्ट किया गया है। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भाप से चलने वाला पहला जहाज एंटरप्राइज 1825 में कोलकाता पहुंचा। देश में 1856 में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया। सन 1939 में आज के दिन भारतीय सशस्त्र बल फ्लैग डे मनाया जाता है। भारत ने 1995 में संचार उपग्रह इंसेट 2C का प्रक्षेपण किया। रमन सिंह 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2008 में चंद्र मोहन को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने 2008 में जापान टूर का खिताब जीता। भारतीय क्रांतिकारी चतुंद्रनाथ मुखर्जी का जन्म 1879 में हुआ। आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाज शास्त्र के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1889 में हुआ। भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, राजनीतिक व्यंग्यकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अधिवक्ता चो रामस्वामी का निधन 2016 में हुआ।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट http.jeevanpraman.online जीवन प्रमाण पत्र देने का दावा कर रही है और पंजीकरण शुल्क के नाम पर ₹150 का भुगतान मांग रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसी कोई वेबसाइट भारत सरकार से संबंध नहीं है। प्रमाणिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं https.jeevanpraman.government.in। क्या है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन? आपके मैसेज को कैसे रखता है सुरक्षित? सभी मैसेजिंग ऐप अपने यूजर्स को एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की सुविधा देते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं या फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं, आपका हर मैसेज सुरक्षित है। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? अगर हाँ तो आइए जानते हैं कि कैसे ये फीचर आपके डाटा को सेव करता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी से शुरू होता है जो जानकारी को सुरक्षित रखने का मेथड है। यह मैसेज को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल देता है जिसे सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। केवल वे यूजर्स जिनके पास एक गुप्त की होती है वो मैसेज को साधारण टेक्स्ट में समझ या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि E2EE के साथ सेंडर या क्रिएटर डाटा को एनक्रिप्ट करता है और केवल रिसीवर या रीडर ही इसे डिक्रिप्ट कर सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, मनोज कुमार, केके सिन्हा, रुपेश कुमार, नन्नू गोलू कुमार, आराध्य दीक्षित, सबाना कौसेर, किशनदेव तत्मा, मुत्तु रंगीला, अर्जुन देव मेहता, बाबूलाल मरांडी, जीतू कुमार, रमेश यादव, भरत प्रसाद, जयंती राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में ट्रैफिक नियमों को लेकर जो योजना बनाई गई है उसे ट्रैफिक व्यवस्था में कितना सुधार हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।